लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी ने जारी की उत्तराखंड में उम्मीदवारों की लिस्ट। टिहरी गढ़वाल से नीमचंद छुरियाल बीएसपी प्रत्याशी, पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह बिष्ट बीएसपी प्रत्याशी, अल्मोड़ा से नारायण राम बीएसपी प्रत्याशी, वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से अख्तर अली बीएसपी प्रत्याशी, जबकि हरिद्वार से जमील अहमद बीएसपी प्रत्याशी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह बिष्ट को टिकट पार्टी ने दिया है। निखिल हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं इस खबर पर। निखिल, उत्तराखंड के उम्मीदवारों का ऐलान बीएसपी की तरफ से। बिल्कुल, 5 सीटों पर जो है उत्तराखंड के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। बसपा प्रमुख मायावती खुद इन नामों को फाइनल किया है और केंद्रीय कार्यालय से ये पत्र जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की सूची जो है वो जारी की जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 16 नाम जो उत्तर प्रदेश से थे उनको जारी किया गया, फिर 9 नाम दोबारा उत्तर प्रदेश से दूसरी लिस्ट में जारी किए गए और अब उत्तराखंड के 5 नामों को लिस्ट में नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बसपा ने ये साफ किया था कि लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने संभाली थी और इससे पहले जो संगठन के लोग थे उनको इस बात के लिए लगाया गया था कि उनके क्षेत्र में जो बेहतर लोग हैं काम करने वाले उनकी जानकारी उनके नामों की जो सूची बनाकर बसपा सुप्रीमो मायावती के पास भेजें, उसके बाद ये तय किया जाएगा। तो जो सीटों का समीकरण और जातीय समीकरण था उसके आधार पर बसपा ने उत्तराखंड के 5 प्रत्याशियों का नाम जो है वो ऐलान कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाकी बचे हुए नाम भी जो है वो भी जारी कर दिए जाएंगे। धन्यवाद इस जानकारी के लिए निखिल आपका। तो टिहरी गढ़वाल से नीमचंद छुरियार बीएसपी प्रत्याशी, तो पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह बिष्ट बीएसपी प्रत्याशी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, उत्तराखंड में प्रत्याशियों का ऐलान बीएसपी की तरफ से। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ लिस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से उत्तराखंड उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। टिहरी गढ़वाल से नीमचंद छुरियार बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी धीर सिंह बिष्ट, वहीं अल्मोड़ा से नारायण राम बीएसपी प्रत्याशी, साथ ही साथ नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से अख्तर अली बीएसपी प्रत्याशी, जबकि हरिद्वार से जमील अहमद बीएसपी प्रत्याशी। तो जिस तरीके से कई स्तर पर स्क्रीनिंग की गई प्रत्याशियों को लेकर, इसके बाद फाइनल मोहर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस पर लगाई और फिर लिस्ट को जारी किया गया।